नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात होगी गुजरात के जामनगर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी नेता पूनम मांडम सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस नेता विक्रम मांडव को 175,289 वोटों से हराया था। पूनम मांडव को यहां पर 484,412 वोट मिले थे, तो वहीं विक्रम मांडव को 309,123 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। साल 2014 के चुनाव में ये सीट इसीलिए काफी चर्चा में थी क्योंकि यहां चुनाव परिणाम आने से पहले ही इस सीट से दो बार सांसद रहे विक्रम मांडव ने अपनी हार सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ली थी। वोटिंग के दौरान दूसरे दिन ही उन्होंने कहा वो इस चुनाव में अपनी भतीजी पूनम मांडव से हार रहे हैं और उनकी ये बात सही भी निकली थी। गुजरात राज्य का जामनगर शहर कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। जामनगर में आधुनिकता और प्राचीनता का समावेश देखा जा सकता है। जामनगर का निर्माण जाम साहिब ने 1540 में करवाया था। सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और नमक यहाँ के प्रमुख औद्योगिक उत्पाद है। यहाँ ये शहर बांधनी कला, जरी की कढ़ाई और धातु कर्म के लिए प्रसिद्ध है। जामनगर की कुल आबादी 21,60,675 है, जिसमें से 55% आबादी गांव में रहती है, तो वहीं 44% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहां 8% लोग SC और 1% ST वर्ग के लोग हैं। संसदीय क्षेत्र बनने के बाद साल 1962 में यहां आम चुनाव हुए, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था, तो 1967 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। साल 1971 में यहां पर कांग्रेस के हाथ सफलता लगी थी, तो वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी यहां विजयी हुई। 1980-1984 में ये सीट पंजे के कब्जे में रही, तो वहीं 1989 में यहां पहली बार कमल खिला और चंद्रेश पटेल यहां से सांसद बने। वो लगातार इस सीट से 5 बार सांसद चुने गए हैं। साल 2004 में यहां कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई और विक्रम मांडव यहां से सांसद चुने गए और वो 2009 के चुनाव में भी यहां से जीते, लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के पूनम मांडव ने यहां पर हरा दिया। आपको ये भी बता दें कि पूनम मांडव पहले कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और साल 2014 का चुनाव उन्होंने अपने चाचा के खिलाफ पोरबंदर से लड़ा और विजयी हुई। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में पूनम मांडव की उपस्थिति 82% रही है और इस दौरान उन्होंने 32 डिबेट में हिस्सा लिया, तो वहीं 323 प्रश्न सदन में पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 14,70,952 थी, जिसमें से 8,52,643 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था और मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,86,177 और महिलाओं की संख्या 3,66,466 थी। जामनगर कांग्रेस की सेफ सीट में से एक मानी जाती रही है, लेकिन साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर के दौरान उसे इस सीट पर करारी हार मिली थी। लेकिन तब से आज के सियासी हालात कुछ बदले हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, इसी वजह से कांग्रेस के अंदर जोश और आत्मविश्वास की वापसी हुई है और इस वजह से ही वो इस सीट को जीतने का दावा भी कर रही है, तो वहीं बीजेपी की पूरी कोशिश इस सीट को अपनी जीत का बचा कर रखने की होगी। देखते हैं जीत और हार के इस खेल में बाजी किसके हाथ लगती है और कौन बनता है यहाँ का सिकंदर। आज के सफर में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई संसदीय सीट के प्रोफाइल के साथ। बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।